आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा है कि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका का कर्तव्य है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों को संविधान के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में न्यायपालिका के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख है कि उसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए न्यायपालिका कार्य कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कल 26 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस के पूर्व भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की पुष्टि करने और संविधान में बताए गए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इसके लिए एक वेबसाइट शुरू की गई है, साथ ही ट्विट मैक से इंटरनेट पर फॉर्म भरकर इस अभियान में शामिल हुआ जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में आकाशवाणी पर लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 38वां संस्करण होगा। श्री मोदी ने जनता से इस बारे में अपने विचार और सुझाव नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप और MyGOV के ओपन फोरम पर भेजने का अनुरोध किया है। मन की बात कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात के प्रसारण के तुरंत बाद यही कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी सुना जा सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जल्द ही राज्यों के विद्युत वितरण कंपनियां डिस्कॉमर्स के लिए उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य करेगा। विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में सौर और पवन ऊर्जा क्षमता के लिए नीलामी के रोडमैप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पावर ग्रिड में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और प्रेषण प्रणाली भी मजबूत है। ऐसी स्थिति में बिजली आपूर्ति अनिवार्य बनाए जाने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। भोपाल में आज से 3 दिवसीय इज्तिमा की शुरुआत हो गई है। सुबह फजर की नमाज के साथ शुरू हुए इज्तिमा में देश भर से आई जमातों के अलावा अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, कुवैत और कनाडा से आए मुस्लिम धर्मावलंबी हिस्सा ले रहे हैं। आज शाम इज्तिमा के अगले दिन 3 दिन तक उलेमाओं की तकरीर होगी। असर की नमाज के साथ 500 से ज्यादा जोड़ों के निकाह भी होंगे। 27 दिसंबर को सामूहिक दुआ के साथ इज्तिमा का समापन होगा। भावांतर भुगतान योजना के द्वितीय चरण में पंजीयन सुविधा का आज अंतिम दिन है। कल शाम तक 1,65,114 नए पंजीयन आवेदक प्राप्त हुए हैं। इनमें से करीब 98,000 आवेदन को राजस्व विभाग की समीक्षा के बाद ऑनलाइन कर दिया गया है। योजना के प्रथम चरण में पंजीयन न करवाने वाले किसानों को 15 से 25 नवंबर तक पंजीयन की सुविधा दी गई है। योजना में पंजीकृत किसानों द्वारा 23 नवंबर तक मंडियों में किए गए अधिसूचित फसलों की बिक्री से लगभग 1310 करोड़ रुपए की भावांतर राशि से लाभान्वित होने का अनुमान है। सांची में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव आज से शुरू हो गया है। महोत्सव का शुभारंभ देर शाम को होगा। इसमें देश और दुनिया के बौद्ध धर्मावलंबी भाग लेंगे। महोत्सव के पहले दिन आज संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित 3रा मंत्र बौद्ध ज्ञान कथा नृत्य नाटिका प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं दूसरे दिन निर्देशक अशोक जांबुलकर द्वारा भगवान बुद्ध की जीवन कथा पर आधारित प्रस्तुति होगी। इस अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। अरब सागर की ओर से आ रही नमी और हवाओं का रुख उत्तर पूर्वी होने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते ठंड का असर बढ़ा है। बीते 24 घंटों के दौरान कई इलाकों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर और उमरिया में दर्ज किया गया। वहीं रीवा, शहडोल, सागर, भोपाल, उज्जैन संभाग के जिलों में तापमान में गिरावट आई है। भोपाल में 10.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम केंद्र ने आगामी दिनों में भी तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आज से विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। सतना जिले के मैहर में आज और कल मैहर बैंड शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
खंडवा जिले में 9 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें काफी समय से लंबित मामलों का निपटारा होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।